Hello, my dear stream. Today we are going to start a new chapter, acid, base and salts. तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अपना टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस एंड सॉल्ट. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? एसिड के बारे में अपन बात करेंगे. ठीक है, तो एसिड के बारे में अपन बात करेंगे. तो एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं. अपन एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एसिड और बेस को अपन सबसे नॉर्मल जो तरीका होता है वो डिफरेंशिएट करने का क्या होता है? टेस्ट करके होता है. तो एसिड को जब अपन टेस्ट करते हैं तो एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? सॉरेन टेस्ट होता है. क्या होता है? सॉरेन टेस्ट. तो अपन लिखेंगे सॉरेन टेस्ट. ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं. जब एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो एसिड क्या देता है अपन को? एच प्लस आयन देता है. क्या देता है अपन को? एच प्लस आयन देता है. तो अपन लिखेंगे एसिड क्या होता है? एच प्लस आयन अपन को देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. क्या करता है एसिड? क्या करते हैं? एच प्लस आयन अपन को देते हैं. ठीक है, अगर थर्ड अपन बात करें एसिड के लिए तो एसिड क्या करता है अपन को? लिटमस पेपर से अपन टेस्ट करते हैं तो लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू से रेड करता है. तो अपन लिखेंगे एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं. क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं. ठीक है, ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा? एसिड के बारे में पढ़ा. अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? अपन बात करेंगे बेस के बारे में. ठीक है, तो बेस के बारे में अपन बात करते हैं. बेस को अपन टेस्ट करके देखते हैं तो बेस क्या करता है? बेस अपन को बिटर इन टेस्ट होता है. मतलब बिटर का मतलब हो गया कड़वा. क्या हो गया? बिटर का मतलब कड़वा. तो अपन लिखेंगे बिटर इन टेस्ट. ठीक है, बेस क्या होता है? टेस्ट में क्या होता है? बिटर होता है. ठीक है, मतलब कड़वा होता है. ठीक है, दूसरा अपन लिखेंगे बेस के बारे में. तो बेस अपन को क्या देता है? एक्वस सॉल्यूशन में जब बेस को डिसोल्व किया जाता है तो क्या मिलता है अपन को? OH- आयन मिलता है. तो OH- आयन को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है, तो उसको अपन लिखते हैं OH- आयन. ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अपन? हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, बेस के बारे में अपन थर्ड बात करते हैं. तो बेस क्या करते हैं? लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड से ब्लू कर देते हैं. क्या करते हैं? रेड से ब्लू कर देते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं बेस के बारे में. रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं? ब्लू कर देते हैं. क्या करते हैं? ब्लू कर देते हैं. ठीक है, ये जो अपन ने पढ़ाई है ये अपन ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी एसिड और बेस के बारे में. ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल से समझेंगे एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं. ठीक है, एसिड के एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं. एसिड, ठीक है, एसिड का एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं. ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन HCl. HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोराइड एसिड. ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं. दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? H2SO4. H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं HCOOH. ये क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. जब चींटी अपन को काटती है तो कौन सा एसिड मिलता है? फॉर्मिक एसिड वहां पर मिलता है. ठीक है, एक एसिड और लेते हैं अपन CH3COOH. ये क्या होता है? ये होता है एसिडिक एसिड. ठीक है, अब बेस के एग्जांपल्स अपन देखते हैं. तो बेस क्या होता है? NaOH, KOH. ये क्या होता है? ये बेस होता है. ठीक है, एग्जांपल्स अपन देखते हैं. NaOH हो गया, KOH हो गया. ठीक है, एक और एग्जांपल्स अपन देखते हैं. एक एग्जांपल और देखते हैं, NH4OH हो गया. ठीक है, अब अपन यहां देखते हैं कुछ एसिड होते हैं. अपन बोलते हैं कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड क्या होते हैं? वीक होते हैं. तो अपन यहां देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिड. वीक बेस क्या होते हैं या वीक एसिड क्या होते हैं वो देखते हैं अपन. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो क्या होते हैं? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं. जो अपना एच प्लस क्या होते हैं? कंप्लीटली दे देते हैं. ठीक है, तो जो अपन ने दो एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे उनको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. क्यों? क्योंकि ये होते हैं जो अपना एच प्लस आयन करते हैं पूरी तरह दे देते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं. और जो नीचे जो लिखे हैं अपन ने HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH ये क्या है? एसिडिक एसिड. ये क्या होता है? ये वीक एसिड होते हैं. क्या होता है? वीक एसिड होते हैं. ये क्या? ये वीक क्यों होता है?
क्योंकि ये कंप्लीटली आयोडाइज नहीं होते हैं, अपना H प्लस कंप्लीटली नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद अपन बेस की बात करते हैं, तो बेस में जो अपन ने दो एग्जांपल्स ऊपर लिखे हैं NaOH और KOH, ये क्या करते हैं एक पर सोल्यूशन में अपना OH माइनस आयन क्या करते हैं कंप्लीटली दे देते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, जिनको क्या लिखे हैं अपन स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपन ने नीचे लिखा NH4OH, तो इसमें क्या होता है NH4OH में जब इसको एक पर सोल्यूशन में डालते हैं आयोनाइज करते हैं तो इसमें कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इनमें एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, ठीक। ये क्या होता है इनकम्प्लीट रहता है आयोनाइजेशन, तो इसको क्या बोलते हैं अपन वीक बेस, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं एक टर्म और पढ़ेंगे अपन एसिड के बारे में, पढ़ते हैं अपन कंसंट्रेटेड एसिड, क्या पढ़ते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। और एक टर्म और पढ़ते हैं अपन डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में अपन बात करें तो कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड में ये होता है एसिड की क्वांटिटी क्या होती है ज्यादा होती है, एक्सेस में कौन होता है एसिड होता है, और वाटर क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होंगे, कंसंट्रेटेड एसिड होंगे जो उनमें एसिड क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है, और वाटर क्या होगा कम होगा, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। अब डाइल्यूट एसिड के बारे में बात करें तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, डाइल्यूट एसिड में कंसंट्रेटेड एसिड का क्या होगा उल्टा होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड के बाद बात करें तो इसमें क्या होगा, डाइल्यूट एसिड में एसिड जो है वो क्या होगा कम होगा, ठीक है, और वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। तो अपन जिसमें वाटर कम होगा एसिड ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 आप सबने सुना होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास डाइल्यूट HCl, आप सबने सुना होगा, एग्जांपल अपन ले लेंगे डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड हो गया तो उसमें क्या होगा एसिड जो है वो क्या होगा कम होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन अगली बात करते हैं, अगली इसके बारे में बात करेंगे अपन बात करेंगे एक टर्म जो अपन को पढ़नी है वो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, क्या पढ़ेंगे अपन एक टर्म लिखता हूं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। आप इस टर्म से समझ में आ रहा होगा डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में क्या होता है वॉटर क्या होता है एक्सेस में होता है, क्या होता है एक्सेस में होता है, इसको लिख देते हैं क्या होता है एक्सेस में होता है, ठीक है। एसिड क्या होता है कम क्वांटिटी में होता है, एसिड क्या होता है लेस होता है कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है, अपन ने ये लिख दिया। लेकिन डाइल्यूशन जब कराते हैं तो उसमें क्या होता है उसके लिए डाइल्यूशन के लिए अपन लेते हैं एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या मान लेते हैं अपन वॉटर ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं H2O ले लेते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन में क्या होता है H2O क्या होता है एक्सेस में होता है, क्या होता है H2O एक्सेस में होता है, अपन ने एक्सेस में ले लिया, इसमें क्या ले लिया अपन ने H2O ले लिया, इसमें ले लिया एक्सेस में ले लिया, ठीक है। डाइल्यूशन एक डाइल्यूशन के लिए वॉटर एक्सेस में होता है तो H2O अपन ने ले लिया, इसमें अपन क्या करेंगे फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड को मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे अपन एसिड मिलाएंगे, क्या करेंगे अपन एसिड मिलाएंगे। तो जब एक्सेस वॉटर में H2O मिलाया जाता है तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस डाइल्यूशन होता है, क्या होता है वो प्रोसेस डाइल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन एक मेन बात जो अपन को यहां पर ध्यान रखनी है वो क्या होता है एसिड को एसिड इन वॉटर, क्या होता है एसिड को वॉटर में मिलाया जाता है, क्या होता है एसिड को वॉटर में मिलाया जाता है, ना कि वॉटर को एसिड में मिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि एसिड जो होता है जब एसिड को वॉटर में मिलाया जाता है तो यह प्रोसेस क्या होती है, यह होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आप सबने केमिकल रिएक्शन पढ़ी होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपने देखी होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है जब हीट का बाहर निकलना तो वो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब एसिड तोड़ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड को अपन वॉटर में मिलाएंगे तो यहां पर क्या होता है बहुत ज्यादा हीट निकल गई, ठीक है। तो ये अपन ने एसिड को इसमें वॉटर में मिला लिया, इसका क्या कर लिया अपन ने डाइल्यूशन कर लिया। तो एसिड इन वॉटर, ये अपन को ध्यान रखना है, जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं एसिड को वॉटर में मिलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज
यहां तक पढ़ेंगे ना। इसके बाद फ्यू कंसेप्ट फ्यू थ्योरीज है कुछ साइंटिस्ट द्वारा दी गई है एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। फ्यू थ्योरीज फ्यू कंसेप्ट है वो दिए गए हैं फ्यू साइंटिस्ट के बारे में, उनके बारे में अपन बात करेंगे। पहला जो है पहले जो साइंटिस्ट है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो सबसे पहले थ्योरी दी वो किसने दी, ऑरिनियस नाम के एक साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया ब्रॉन्स्टेड लोरी। कौन आया उसके बाद, ब्रॉन्स्टेड लोरी। और जो थर्ड थ्योरी दी वो किसने दी, लुइस, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुइस, तो उन्होंने थर्ड थ्योरी दी। तीन थ्योरी के बारे में